إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فقال الله عز وجل في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه حاضرين جمع अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख उसका शुक्र है उस रब्बुल जलाल ने हमें और आपको जिंदगी में एक बार फिर माहे मुबारक रमजान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से सरफराज फरमाया। ये माहे रमजान अहले ईमान के लिए मोमिनों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये नेकियां कमाने का महीना है, ये अल्लाह से करीब करने का महीना है, ये महीना जन्नत में ले जाने वाला महीना है, ये महीना जहन्नम की आग से बचाने वाला महीना है, ये महीना गुनाहों को माफ करने वाला महीना है। कभी भी इस महीने को बोझ नहीं समझना चाहिए। रमजान को बोझ समझना दरअसल ये मुनाफिक की पहचान है। मोमिन के लिए रमजान बोझ नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बरकत और बहुत बड़ी नेमत की चीज है, क्योंकि इस माहे मुबारक में नेकियों का तवाब बढ़ा दिया जाता है। हम इस महीने में सदका करें, ये सदका आम सदका नहीं होगा, रमजान का सदका बहुत बड़ा सदका है। इस महीने में नेकियों का सवाब अल्लाह ताला बढ़ा देता है। बाद आमाल ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इतना ज्यादा सवाब बढ़ा दिया है। देखिए उमरा, रमजान मुबारक के अंदर उमरा किया जाए, ये सिर्फ उमरा नहीं है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو تعدل حجة أو تعدل حجة معي, इस तरह के अल्फाज हैं कि रमजान के महीने में उमरा करना ऐसे ही है जैसे कि उसने नबी के साथ मेरे साथ हज किया, हज करने के बराबर हो जाता है। तो इस महीने को गनीमत जानना चाहिए, बहुत ज्यादा नेकी के काम करना चाहिए, अपने वक्त को, अपनी फुर्सत के लम्हात को, अपनी जिंदगी को गनीमत जानते हुए खूब से खूब नेकियां कमाना चाहिए।
क्योंकि इस महीने में इबादत, इस महीने की नेकी, इस महीने का सवाब आम दिनों के मुकाबले में बढ़ा दिया जाता है। देखिए अभी बताया कि रमजान के महीने का उमरा, ये सिर्फ उमरा नहीं बल्कि एक हज है, एक हज का सवाब मिलता है। रमजान के महीने में कयामुल्लैल की पाबंदी कितनी बड़ी फजीलत है। तरावी की नमाज बाजमात पढ़ें। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अन्नहु मन काम माल इमाम हत्ता यरसरिफ कुतिब लहु कियाम लैला। जो आदमी तरावी की नमाज बाजमात पाबंदी करे यहाँ तक कि इमाम मुसल्ले से वापस हो लौटे, तब वो आदमी मस्जिद छोड़ता है, मस्जिद से बाहर निकलता है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कुतिब लहु कियाम लैला, उसे मुकम्मल रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता है, पूरी रात क़याम करने का सवाब मिलता है। ये नेकियां बढ़ा दी गई। माहे मुबारक में एक मुबारक रात है जिसे शबे कद्र कहते हैं। नेकियां देखो कैसे बढ़ाई गई है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहि वर्रूह तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हमने कुरान को बाबरकत महीने में नाज़िल किया है, बाबरकत रात में नाज़िल किया है, शबे कद्र में नाज़िल किया है। और आपको क्या मालूम कि शबे कद्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र की इबादत, उस रात में जाग करके क़याम करना, इबादत करना, ज़िक्र अज़कार की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, दुआ करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, शबे कद्र में जागना और इबादत करना, अल्लाह अकबर, अल्लाह तआला कहता है हजार महीनों की इबादत से बेहतर, हजार महीनों की इबादत से बेहतर है। 12 महीने का एक साल होता है, हजार महीने को अगर काउंट किया जाए 80 साल से ज़्यादा होता है। ज़िंदगी हम कभी 80 साल नहीं पा सकते। एक रात की इबादत, शबे कद्र की इबादत, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, हजार महीनों की इबादत से बेहतर है। तो रमज़ान ये आम महीना नहीं है, ये रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला नेकियों के सवाब को, नेकियों को सवाब को बढ़ा देता है। इसलिए इसके सेकंड सेकंड की हिफाजत होनी चाहिए, मौके को फायदा, मौके से फायदा उठाना चाहिए। ये हमारे लिए बोनस पॉइंट है, ये ऑफर है हमारे लिए कि हम अल्लाह से कुर्बत इख्तियार कर लें, गुनाहों की मग़फ़रत कर लें, जन्नत में दाखिले का सामान तैयार कर लें, अपनी आखिरत संवार लें, जहन्नम से आग से आज़ादी हासिल कर लें। ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है। हमारे असलाफ माहे रमज़ान के ताल्लुक से किस कदर फिक्रमंद रहते थे सोचिए। रमज़ान जब पा लेते थे, इबादत कर लेते थे, ईद मना लेते थे, 6 महीने लगातार हमारे असलाफ ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर ले जो कुछ हमने रमज़ान में किया था। 6 महीने लगातार दुआएं करते थे, हमारे असलाफ की तारीख रही है वो 6 माह लगातार अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते थे कि हमने जो नेकी की थी रमज़ान के महीने में, जो इबादत की थी रमज़ान के महीने में, वो सारी इबादतों और नेकियों को कबूल कर दे। और जब 6 माह रमज़ान के लिए बाकी रहता था वो मुसलसल दुआएं करते थे, अल्लाह से मांगते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान नसीब कर दे, रमज़ान तक पहुँचा दे, रमज़ान तक पहुँचा दे। ये दुआएं हमारे असलाफ करते थे। क्या मतलब निकला इससे? 6 माह लगातार नेकियों की कबूलियत के वास्ते दुआ, और 6 माह जब बाकी रहता रमज़ान पाने की दुआ करते थे। हमारे असलाफ पूरी ज़िंदगी में हमेशा रमज़ान की फिक्र करते थे, हर रोज़ रमज़ान की फिक्र करते थे, हमेशा रमज़ान के पाने की फिक्र करते थे। क्योंकि रमज़ान अहले ईमान के लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा इसे बोझ नहीं समझना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने को बोझ समझते हैं। रमज़ान में रोज़ा रखना भारी पड़ता है, रमज़ान की रातों में क़याम करना भारी पड़ता है, नींद आती है, अल्लाह की राह में खर्च करना भारी पड़ता है, ये मोमिन की सिफत नहीं। आइए आज के जुमे के खुतबे में इस चीज़ की वजाहत की जाएगी कि हमें और आपको माह रमज़ान में क्या करना चाहिए, या ये कि हम रमज़ान को कैसे गुजारें,
या ये कि हम रमजान से कैसे फायदा उठाएं, या ये कि हमें रमजान के महीने में कौन से आमाल करना चाहिए। नंबर एक, सहरी की नियत करना। सहरी करना रोजे की नियत करना। रोजे की नियत बहुत जरूरी, रोजे की नियत करना जरूरी, बगैर नियत का हमारा कोई अमल नहीं होता है। नियत दिल के इरादे का नाम, दिल के इरादे का नाम नियत है। हमारे दिल में चांद निकल गया, रमजान का ऐलान हो चुका है, हमारे दिल में इरादा हो रोजा रखी हो, ये नियत। ऐसे ही अगर हम बगैर नियत के रोजा रखते हैं तो रोजा रोजा नहीं कर रहा है, रोजा रोजा नहीं कर रहा है। रोजे के लिए नियत या तमाम इबादतों के लिए नियत, ये जरूरी है। तो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी क्या है कि चांद निकलते ही दिल में मुकम्मल पुख्ता इरादा हो कि हम रोजा रखेंगे, दिल के अंदर नियत हो गई, सुबह उठे फज्र से पहले सहरी कर लिए, सहरी के लिए जाग गए, ये भी नियत है। ये भी क्योंकि हम बेदार हो रहे हैं, किस लिए? सहरी करने के लिए। सहरी क्यों कर रहे हैं? रोजा रखने के लिए। तो सहरी में जागना, फज्र से पहले बेदार होना, कुछ खाना, रोजे के लिए तैयारी करना, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सहरी में बेदार नहीं होते, रात में खाना खा लेते हैं और फिर उठते हैं 8 बजे 9 बजे, फज्र भी गई सहरी भी गई, ऐसा रोजा किस मतलब का कि आदमी नमाज छोड़ करके सोया रहे। सहरी करने की शरीयत में बड़ी ताकीद की गई, तसहरू फइन्न फिस्सुहूरि बरका। प्यारे नबी अलैहि सलाम कहते सहरी करो, सहरी करो, फज्र से पहले उठो, जागो, सहरी करो, खाना खाओ, इसलिए कि सहरी में बरकत है। इस खाने के बारे में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मुबारक खाना कहा है। आप सहरी कर रहे थे, सहाबे इकराम को बुलाया, कहा आओ मुबारक खाने की तरफ। सहरी के खाने को शरीयत ने मुबारक खाना करार दिया है। हमारे और अहले किताब के रोजों के दरमियान, हम मुसलमानों और यहूद और नसारा के दरमियान एक जो फर्क है रोजे के एतबार से, वो सहरी का खाना है। हम सहरी करके रोजा रखते हैं, वो सहरी नहीं करते। इसलिए हम सबको सहरी की पाबंदी करना चाहिए, सहरी के वक्त में जागना चाहिए। सहरी ये मुबारक गिजा है, ये बरकत वाला खाना है। क्यों बरकत है? इसलिए कि जिस घड़ी में हम बेदार होते हैं, ये बहुत प्यारा वक्त होता है। अल्लाह तबारक व तआला समाए दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, बंदों से अल्लाह तआला बहुत करीब होता है, इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। और अगर हम सहरी में खा लेते हैं तो रोजा रखने में हमारे लिए बड़ी आसानी होती है। एक आदमी सहरी किया है वो तंदुरुस्त रहता है, वो नमाज भी पाबंदी से पढ़ता है, खड़े होकर नमाज पढ़ता है, अपना कारोबार भी संभालता है, मार्केट भी जाता है, घर का सामान भी लाता है, घर का काम भी करता है, अपना काम भी करता है। लेकिन एक आदमी सहरी नहीं जागा, सहरी नहीं किया है, कमजोर और लागर की तरह, सुस्त और काहिल की तरह बैठा रहता है, मसा औकात रोजा भी नहीं रखता है, मसा औकात गाली गलौज भी करता है। क्योंकि जब पेट खाली रहेगा आदमी का दिमाग सही नहीं रहेगा। तो हमारे शरीयत में कितनी बेहतरीन रहनुमाई की गई है कि हम सुबह बेदार हो, सुबह बेदार होकर के सहरी करें और फज्र की बाजमात पाबंदी करें। सहरी में बरकत है, क्योंकि रोजा रखने में ये सहरी मुआविन और मददगार साबित होती है। इससे हमको सहूलत हासिल होती है, इससे रोजे की तकवीयत हासिल होती है। सहरी करने वाला आदमी सही से रोजा रखता है, दिल में सही से काम करता है, अपना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है। एक आदमी सहरी जो नहीं किया है उसके लिए रोजा रखना दुश्वार हो जाता है, और नेकियां और इबादत और क़याम और इस तरीके से तिलावत उसके लिए मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा जो काम है वो है रोजा रखना। रमजान का रोजा रखना फर्ज है, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, रोजा रखना भी फर्ज है। रोजा रखना जरूरी है। या अय्युह الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون।
अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ मुसलमानों तुम पर रोजा फर्ज कर दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कुरान के अंदर, ऐ मुसलमानों तुम पर रोजा फर्ज कर दिया गया है, जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर रोजा फर्ज था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। रोजा रखना जरूरी है, फर्ज है, रोजा नहीं रखेंगे गुनाह मिलेगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को खंगाल कर देखें, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, ख्वाब में देखा कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि चढ़िए, एक वादी है, एक पहाड़ी है, उस पर नबी को चढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम कहते मेरे पास चढ़ने की ताकत नहीं। फरिश्तों ने कहा नहीं चढ़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चढ़कर ऊपर गए बालाई पर, क्या देखा वहां पर, लोग चीख मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और उनके मुंह से खून बह रहा है, उनके जबड़ों को चीरा जा रहा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मंजर देख रहे हैं। कुछ लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उनके मुंह से खून बह रहा है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा है कौन लोग हैं, इनके साथ इतना खतरनाक अमल हो रहा है, ये कौन लोग हैं, इतनी सख्त गिरफ्त, इतना सख्त अदाब और संगीन अदाब में दो चार किया जा रहा है, कौन लोग हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया ये आपकी उम्मत वो लोग हैं जो रोजा रखते थे, वक्त से पहले इफ्तार कर लिया करते थे, रोजा रखते थे, इफ्तार कर लेते थे, कब, सूरज डूबने से पहले रोजा रखे, सुबह दोपहर में खा लिया, रोजा रखे असर में खा लिया, रोजा रखा असर बाद खा लिया, रोजा रखा सूरज डूबने से पहले खा लिया, इफ्तार कर लिया। ऐसे लोगों को खतरनाक अदाब दिया जा रहा था। जरा एक लम्हा के लिए सोचिए, जो आदमी सुबह से लेकर रोजा ना रखे, आज हमारे समाज में इस तरह की बीमारी आम है, कहीं बिजनेस के नाम पे, कहीं कारोबार के नाम पे, कहीं मुलाजमत के नाम पे, कहीं नौकरी के नाम पे, कहीं काम के एतबार से, काम के नाम पे हमने रोजे को खिलवाड़ बना के रखा। समझो अल्लाह के बंदो, डरो अल्लाह से, ये रोजा छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला नहीं पूछेगा कि तुम नौकरी कर रहे थे रोजा छोड़ दिए, माफ हो गया, नौकरी बाद में है, रोजा पहले है, पहले हम रोजा रखेंगे, फर्ज है। रोजा का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, रोजा रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुकल्लफ नहीं बनाया है कि हम यही काम करते रहे, हमको अगर रोजा रखना भारी पड़ता काम छोड़ दे, दूसरा काम करें जो आसान हमारे लिए है, या उस महीने छुट्टी ले लें, हमारे पास माल है, अकाउंट में पैसा भरा पड़ा हुआ है, तो कहते हैं हमको नौकरी करने के लिए नौकरी छूट जाएगी, पैसा कहां से आएगा, अकाउंट भरा पड़ा हुआ है, माल भरा पड़ा हुआ है, पैसा भरा पड़ा हुआ है, उसके बावजूद रोजा और छोड़ छोड़ करके बैठे हुए। अल्लाह के बंदो डरो अल्लाह से, खौफ करो अल्लाह से। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सामने वो मंजर दिखाया गया कि कुछ लोग हैं जिनके जबड़ों को चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके मुंह से खून उबल रहा है। पूछा गया कौन लोग है, कहा ये वो लोग है जो वक्त से पहले इफ्तार कर लिया करते थे। हाँ, अगर हमारे सामने मजबूरी है, बड़ा उज्र है, परेशानी है, शरीयत में रुख्सत दी गई है, जैसे कोई मरीज आदमी है वो रोजा नहीं रखेगा, मुसाफिर आदमी है रोजा उसके लिए मुश्किल है नहीं रखेगा, लेकिन बाद में उसको कदा करना है, बाद में उसको पूरा करना है, तो पहली हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम रोजे की पाबंदी करें, रोजा फर्ज है। सोचिए हमारे असलाफ, हमारे सहाबे इकराम सफर की हालत में रोजा रखा करते थे, सफर की हालत में, आज के जमाने में एसी का सफर है, साया है, मोटर गाड़ी है, धूप में हम सफर नहीं करते। हमारे असलाफ सहाबे इकराम घोड़े पर, खच्चे पर, खच्चर पर, ऊंट पर, पैदल बगैर साये के सफर करते थे, फिर भी रोजा रखते थे, मुश्किल होता था फिर भी रोजा रखते थे, शरीयत ने रुख्सत दी है रोजा मत रखो फिर भी रोजा रखते थे। ये रमजान से मोहब्बत थी, रोजे से उल्फत थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद सफर की हालत में रोजा रखा।
हमारे सहाबा इकराम की तारीख इतनी बड़ी है कि जंगे बद्र में रोजा रख करके जिहाद किया था, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को कामयाबी दी थी। 313 की तादाद, हजारों की तादाद पर गालिब आ गई, दुश्मन हार गया, जलील हो गया, मुसलमान रोजे थे, रोजा रख करके जिहाद किए थे। रोजा रख करके जिहाद कर सकते, हम रोजा रख के काम क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे समाज का, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है, हमारे सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि रोजे को खिलवाड़ और खिलौना ना बनाए, रमजान के महीने को गनीमत जानते हुए इस माह मुबारक में रोजा रखें। इसी तरीके से तीसरा काम ये कि हम नमाज की बाजमात पाबंदी करें, नमाज बाजमात पढ़ें। बहुत सारे लोग देखा जाता है कि रोजा तो रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, सहरी कर लिए सो गए उठे 10 बजे, ऐसे रोजे का क्या फायदा है? नमाज गायब। पहले कल कयामत दिन सबसे पहला सवाल जो हम मुसलमानों से होगा नमाज के बारे में होगा, रोजा बाद में पूछा जाएगा, पहले नंबर पर नमाज के बारे में पूछा जाएगा, रोजा उसके बाद है। बताइए हम किस मुंह से रोजा रखते हैं और नमाज ही नहीं पढ़ते? क्या मुंह लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दाखिल होंगे? क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने? तो पहले नमाज है बाद में रोजा है। तो वो लोग जो रोजा तो रखते हैं, ठीक है अच्छी बात है रोजा रखना चाहिए, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते, ऐसे रोजे का क्या फायदा? लिहाजा जिम्मेदारी बनती पहले नमाज की पाबंदी करें, नमाज की मुकम्मल पाबंदी के साथ रोजे की पाबंदी करें। इसी तरीके से चौथा काम सुनन और नवाफिल की पाबंदी। नमाज से पहले और नमाज के बाद कुछ नमाज है, जोहर से पहले 2 रकात या 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात या 4 रकात, मगरिब बाद 2 रकात, ईशा बाद 2 रकात, फजर से पहले 2 रकात, ये सुनन और नवाफिल है, इसके पाबंदी होनी चाहिए। जो इन सुन्नतों की पाबंदी करता है उसका फायदा क्या होता है? कभी उसकी जमात नहीं छूटती, कभी उसकी जमात नहीं छूटती, ये फायदा है। सुन्नतों नवाफिल की पाबंदी करने का हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा? बाजमात हम नमाज पढ़ेंगे। आज जो लोग सुन्नतों की पाबंदी नहीं करते हैं उनकी जिंदगी को देख लीजिए, वो कम मस्जिद में आएंगे। शैतान की यही तो चाल है, सुन्नतों को आप छोड़ दो, हमने सुन्नत को छोड़ दिया, नवाफिल को हमने छोड़ दिया, हम सोच रहे कि हम तो सुन्नत तो छोड़ रहे हैं, क्या हरज है? लेकिन हम यही समझते हैं कि हमने सुन्नत और नवाफिल को छोड़ दिया, अंजाम खतरनाक होगा। क्या खतरनाक होगा? आप देख लीजिए, जो सुन्नत की पाबंदी नहीं करता है उसके दिल से आहिस्ता आहिस्ता फराइज की अहमियत खत्म हो जाती है। वो मस्जिद में आता है, घर से निकलता है, इमाम दूसरी रकात में है, तीसरी रकात में, कभी कभी सलाम फेर दिया, जमात चली गई, जमात छूट गया। सुन्नतों की पाबंदी करो, ये बुनियाद है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये फराइज के तहफ्फुज़ के लिए, हिफाजत के लिए बहुत बड़ी बुनियाद है। जब हम जब सुन्नतों नवाफिल की पाबंदी करेंगे तो हमारी कोई जमात नहीं छूटेगी। जमात तकबीर उला के साथ, तकबीर तहरीमा के साथ, यानी जैसे इकामत होती है हम सब भी खड़े हो जाएंगे। इस नमाज की क्वालिटी का अलग ही मकाम है, इस नमाज का एक अलग ही फायदा है। तो चौथा काम जो बताया जा रहा था वो ये कि सुन्नतों नवाफिल की हम पाबंदी करें, सुन्नत पढ़ें। इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत, रमजान जो कुरान का महीना है, कुरान कसरत से पढ़ना चाहिए। फराइज के बाद नमाज रोजे की इबादत के बाद सबसे बड़ा काम रमजान है कुरान पढ़ना है या कुरान सुनना है। फर्ज नमाज के बाद, फर्ज रोजे के बाद सबसे बड़ा काम, सबसे नेक काम क्या है? वो कुरान करीम की तिलावत करना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को पढ़िए, जब रमजान आता था दरसे हदीस बंद कर देते थे, हदीस पढ़ाना छोड़ देते थे, बच्चों को छुट्टी दे देते थे, कुरान लेके बैठ जाते थे, मुसहाफ लेके बैठ जाते थे, कुरान पढ़ते थे। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि रमजान ये कुरान की तिलावत का महीना है, गरीबों को खाना खिलाने का महीना है। तो कुरान की तिलावत इस रमजान में होना चाहिए। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ है।
लिहाजा जब कुरान नाजिल हुआ है तो रमजान का कुरान से बहुत गहरा ताल्लुक है, कुरान कसरत से पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर रमजान में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को एक मरतबा कुरान सुनाते थे। जिस साल आपकी वफात हुई आप अलैहिस्सलाम ने जिब्रील को दो मरतबा कुरान सुनाया था, दो दौर किया था। कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए रमजान के महीने में। इसी तरीके से सातवां काम है दुआ करना है। ये रमजान के अंदर दुआ कबूल होती है, दिन के अंदर रात के अंदर जब हमको मौका मिल जाए और ख़ास तौर से सहरी के वक्त और ख़ास तौर से रोजे की हालत में हमें रब्बुल आलमीन से खूब खूब दुआएं करना चाहिए। यह रमजान दुआ की कबूलियत का महीना है, इसमें अल्लाह ताला बंदों की दुआओं कबूल फरमाता है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहा तीन लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है, उनमें से एक के बारे में फरमाया कहा रोजेदार की दुआ। रोजेदार की दुआ को अल्लाह ताला कबूल करता है, लिहाजा खूब दुआ करना चाहिए। इसी तरीके से सातवां जो काम है वो है जिक्र अज़कार की पाबंदी। हमारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द वला कुल्ल शय क़दीर। बहुत सारे अज़कार हैं जो किताब व सुन्नत में बयान किए गए हैं। हमारी माएँ और बहनें सुन रही हैं, वो खाना पका रही है जिक्र अज़कार करें, वो झाड़ू लगा रही है जिक्र अज़कार करें, वो बर्तन साफ कर रही है जिक्र अज़कार करें, बच्चों को खिला रही है, तरबियत कर रही है जिक्र अज़कार। बड़ी आसान इबादत है, हमारी जुबान से ये अदा हो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी मुश्किल घड़ी है, कौन सा मेहनत लगता है, कौन सा इसमें वक्त लगता है, बड़ी आसान इबादत है। चलते फिरते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहे। प्यारे नबी अलैहि सलाम की सीरत को देखिए, सौ सौ मरतबा अल्लाह के नबी इस्तग़फार करते थे, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इस्तग़फार करना चाहिए, दुआएं करना चाहिए, जिक्र अज़कार करना चाहिए। इसी तरीके से आठवां जो काम है तौबा इस्तग़फार। अल्लाह ने हमें रमजान दिया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। सोचिए कितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए, रमजान से महरूम हो गए, तौबा करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहा बर्बादी है उस आदमी के लिए जिसने रमजान को पाया है, रमजान का महीना पाया है लेकिन मगफरत नहीं करा सका। इसमें बंदों को माफ किया जाता है, जन्नत में दाखिल किया जाता है और जहन्नम की आग से आजाद किया जाता है, महीना आई है लेकिन कितना बड़ा महरूम है वो आदमी जिसने रमजान तो पाया है लेकिन तौबा करके इस्तग़फार करके दुआ करके नेक अमल करके रोजा रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मगफरत ना करा सके, ऐसा आदमी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ भेजी है, दूर हो जाए अल्लाह की रहमत से वो इंसान जिसने रमजान पाया, रमजान पाने के बाद अपने गुनाहों पर मगफरत ना करा सका। इसी तरीके से इस माह रमजान में जो नेकियां हमसे मतलूब है या जो अमल हमको करना चाहिए उसमें से सदका तो खैरात है। अल्लाह ने माल दिया है, हम अल्लाह की राह में खर्च करें, गरीबों पर खर्च करें। खर्च करने से कुछ माल कम नहीं होता है, खर्च करने से रोजी मिलती है, रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, खर्च करने से माल में बरकत होती है। खर्च करना चाहिए, गरीबों की दुआएं मिलती है, फरिश्तों की दुआ मिलती है, खर्च करना चाहिए। माह रमजान ये सखावत का महीना है, अल्लाह की राह में माल खूब खर्च करने का महीना है। अल्लाह की राह में बंदों पर, इंसानों पर, गरीबों पर खूब खर्च करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, इस महीने की इबादत है। इसी तरीके से इस माह में तरावी की नमाज की पाबंदी करना चाहिए, तरावी की नमाज। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई है, कहा जो आदमी ईमान के साथ इखलास के साथ तरावी की नमाज की पाबंदी करे उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। तरावी की नमाज पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से इस माह रमजान में एतकाफ एक बड़ी इबादत है। 20 रमजान के बाद चांद निकलने तक 10 दिन का या 9 दिन का चांद के एतबार से एतकाफ करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। इसकी बड़ी फजीलत है, इसकी बड़ी अहमियत है, एतकाफ करना चाहिए। एतकाफ हम जानते हैं 20 रमजान की शाम में मस्जिद में आ जाना, मस्जिद में रहना, बाहर न निकलना, खूब अल्लाह की बंदगी करना, कुरान की तिलावत करना, शबे कद्र में जागना, इबादत करना, और जब चांद ईद का निकल जाए तो मस्जिद से निकलना, ये एतकाफ कहलाता है। इसी तरीके से इस माह रमजान में उमरा करना। अभी बताया गया कि रमजान मुबारक के महीने का उमरा ये हज के बराबर होता है, लिहाजा जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा है, खुसूर हमारे वो भाई जो गल्फ में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं या उस पट्टी उस इलाके में रहते हैं, उनके लिए उमरा करना आसान है, कम खर्च है
उनको रमजान के महीने में फायदा उठाना चाहिए और उमरा की इबादत पूरा करना चाहिए, क्योंकि रमजान में उमरा करना एक हज के बराबर होता है। इसी तरीके से इस माह रमजान में एक इबादत जो हमसे मतलूब है वो है कि हम इफ्तार कराएं, रोजेदार को खिलाएं, रोजेदार को खाना खिलाएं, रोजा खोलने के लिए सामान पेश करें। जो रोजा नहीं रखते हैं उनके लिए हक नहीं है कि वो रोजेदारों की सफ में बैठ कर इफ्तारी करें। मुनाफिक है ऐसे लोग, जायज नहीं उनके लिए, धोखा दे रहे। ये कोई आदमी इफ्तार करा रहा है, रोजेदार वहां पे आना चाहिए, गैर रोजेदार उसमें आके बैठ जाते हैं। रोजा रखे, रोजेदारों को खिलाए, गैर रोजेदार को नहीं, उनको मौका ना दे, बाद में खिलाए, लेकिन रोजेदारों की सब में ऐसे लोगों को बैठने की गुंजाइश नहीं। रोजेदार को खिलाए, इफ्तार कराए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फजीलत बयान फरमाई है कि जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसको रोजे का मुकम्मल सवाब मिलता है। इसी तरीके से इस माह रमजान में हमें हर कार्य खैर में, हर अच्छे काम में सबकत करना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, नेकी की तरफ तवज्जो देना चाहिए। यह रमजान का महीना बहुत मुबारक महीना है। यह रमजान हम जिस हालत में रहें, गरीब रहें, मिस्कीन रहें, कमजोर रहें, ये दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी। हंसते मुस्कुराते रोते जिंदगी गुजर जाएगी, मगर आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। गौर करने की बात है, बहुत अहम बात बता रहा हूं। ये दुनिया की जिंदगी 60 साल जिंदगी है, ये हंसते भी गुजरती है, रोते भी गुजरती है, खुशहाली भी गुजरेगी, परेशानी भी गुजरेगी, शिफायाबी भी गुजरेगी, तंदुरुस्ती भी गुजरेगी, बीमार रहे तो भी गुजरेगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर। उस आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी करो, उस आने वाली जिंदगी की फिक्र करो। ये दुनिया तो आई है, चली जाएगी, ये दुनिया आनी है, पानी है, चली जाएगी, इसमें कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, मगर आखिरत की जिंदगी है, वो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है, उस जिंदगी की फिक्र करना चाहिए। रमजान अल्लाह ने हमें दिया है उसी जिंदगी को संवारने के लिए, उसी आखिरत को बनाने के लिए, जन्नत को पाने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान की नेमत फरमाई है। अगर रमजान की नेमत पाने के बाद भी हमारे दिल में एहसास पैदा ना हो, फिक्र ना पैदा हो, तकवा ना पैदा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर ना पैदा हो, खशियत पैदा ना हो, जन्नत हासिल करने की फिक्र ना पैदा हो, जहन्नम की आग से बचने की फिक्र ना पैदा हो, अल्लाह की कसम हमारे दिलों की इस्लाह की जरूरत है। कितना ज्यादा हमें फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सारे मुसलमानों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, माह रमजान के खूब फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, जो परेशान अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, जो मकरूज है अल्लाह ताला उनके कर्ज के लायक रास्ता हमवार फरमा दे, और हम सबको और आप सबको सारे मुसलमानों को रमजान से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, अदाब कब्र से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جميعا المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين